क्या काम करते हो सर आप? मैं ट्रक चलाता हूँ ऑल इंडिया। कितने साल से? 20-22 साल हो गया। चीज मिली थी, मैंने वो पाया आर्मी में, इसको भेज दिया। तैयारी किया थे? हाँ, तैयारी खूब किया, 12 साल किया लगभग, लेकिन 3 बार टेस्ट में फेल हो गया। तो आपका सपना आपके बच्चे ने पूरा? सपना पूरा। जय हिंद भाई सभी को। मैं अभी आ रखा हूँ जोधपुर जिले के ओसिया तहसील में, और यहाँ हमारा लाडला जो हमारे पास में पड़ा था, अभी आर्मी की ट्रेनिंग कम्प्लीट करके आया। पहले अपना परिचय बता लाडले। मेरा नाम है कवरा सिंह, ओसिया तहसील है, जोधपुर जिला है मेरा। और अकेडमी में बापिनी गांव है? बापिनी गांव। और अकेडमी में कितने दिन रहा था? लगभग 12 मंथ। 12 मंथ। और किसकी तैयारी किया था तुम? सर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, फिर आर्मी की रनिंग कर रहा था वहाँ पे, फिर मेरा पेपर निकल गया सर। आर्मी टेक्निकल? टेक्निकल। आर्मी टेक्निकल की फर्स्ट भर्ती में। और ये इनके पिताजी है, इनका नाम है फतेह सिंह। मेरा नाम है फतेह सिंह नाम है। और क्या काम करते हैं सर आप? ट्रक चलाता हूँ ऑल इंडिया। कितने साल से? 20-22 साल हो गया। 22 साल से। जब आप एडमिशन कराने आए तब आप आए थे? हाँ मैं आया था इनको। अच्छा, आपको किसने बताया था हमारी अकेडमी? अकेडमी तो गूगल पे देखा, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे। अच्छा, इसने बताया या आपने इसको डाला? लड़के ने खुद ने बताया। अच्छा, इसने बताया था। अच्छी अकेडमी है, वहाँ के लड़के सक्सेस होते हैं 8-10-15 हर भर्ती में, इसीलिए कुछ अमल लेके आया था मैं। अच्छा, और उस समय मतलब 2022 में? हाँ 2022 में, 2022 में। और ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी एकेडमी का पहला बैच है। पहला बैच। ये भी बता दूं साथ में कि हमारी एकेडमी का पहला बैच है इस बैच में। इसके साथ में और भी कई बच्चे भी आर्मी ट्रेनिंग निकला था। क्या नाम है उसका? मनीष। उसके बाद हम निकले थे, और उसके बाद अभिषेक। और अभी ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट किया, कितनी तारीख कंप्लीट किया था तेरी पीओपी? ओके, कितने दिन? 5-4 हो गई। उस समय कौन सा सेंटर था तेरा? सिग्नल रेजिमेंट, ये जबलपुर। तो उसी समय हमारी एकेडमी के और भी 10-11 बच्चे हैं जो पास हुए हैं, जो इसके साथ में अभी छुट्टी भी आ रखे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो आसपास के सारे बच्चों से आपको बताएं कि कौन कौन बच्चे सक्सेस हुए हैं। तो आप सर जब उस समय आए थे तब आपको विश्वास था बच्चा? हाँ, पूरा विश्वास था। एकेडमी देख के, आपको देख के मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा बच्चा। अच्छा, और अब फौजी बन गया? फौजी बन गए, मेरे को खुशी हुई। पूरा दिल खुश है, तन मन से। बच्चे ने बता दो एकेडमी में कितने दिन छुट्टियां है बीच में? कम ही आता सर। 20-30 दिन मेरे ख्याल से पूरे साल में। उसकी 1 मंथ ही आया। 1 मंथ बहुत मुश्किल से होगा। आया नहीं रहा, और वो भी टुकड़ों में बहुत कम आता था, पूरी मेहनत करता था। देखो, जो सक्सेस होता है ना बच्चा, उसमें उसकी मेहनत होती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तभी आज ये वर्दी में पहन के खड़ा है, और हमारा दिल ही खुश है सर। पूरा मंजिल तक पहुँचा है, हमने कोशिश की वहाँ तक। आपके आसपास के गाँव के और भी बच्चे लगे होंगे? हाँ, हर भर्ती में 8-10-15 लगे थे मेरे बेंच, उसी बेंच में। हाँ, तो मतलब आप सोचिए कि जब आपका बच्चा भी उनके साथ में सक्सेस होता है तो अपने को दिल से आपको खुशी होती है। थोड़ी सी राहत मिली आपको? हाँ, राहत मिली, बहुत राहत मिली। हमारे को दिन रात तड़पना नहीं पड़ेगा अब थोड़ा सा, मतलब ये सोच सकते हैं भाई एक बच्चा मेरा सक्सेस हो गया, थोड़ा आराम मिल गया। अच्छा, तो भाई इसीलिए इसको पहले मिठाई लेके आया हूँ मैं इनके, और इस बार घर पर इसलिए आया हूँ ताकि देखो अब ये एडमिशन कराना है, तब तो मेरे को याद नहीं है, अब याद रहेंगे। क्योंकि एडमिशन कराने आते हैं तब तो मान लो हर रोज पेरेंट्स आते हैं, बच्चा तो मेरे को हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। ये तो ना मैं इसको बोल सकता ना मेरे को बोल सकता है, क्योंकि एक साल में 20 दिन निकाल दो तो भी 365 में से 350 दिन तो मेरे पास में रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि लाडले अकेडमी में कैसी तैयारी थी। तू बता, तब तक मैं मिठाई लेके आता। बता। वही सर, सुबह 5 बजे उठते थे और रनिंग करने जाते थे वापिस आके। पहले तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था एयरफोर्स की, उसके बाद मैंने एयरफोर्स ये आर्मी टेक्निकल एग्जाम दिया तो क्लियर हो गया, फिर मैंने वही रनिंग की, रनिंग भी पास हो गई, फर्स्ट भर्ती में सक्सेस हो गई। और पहली भर्ती में ही? पहली भर्ती मेरा सिलेक्शन है। पहली भर्ती में सिलेक्शन है भाई। और अभी एज कितनी लाडले मेरी? सर 19 है, 20 में आ गया अभी। और मतलब 19 साल और कुछ महीने में लग गया। इसी वर्दी का मजा देखो, इसीलिए इतने ये जाते हैं जब बॉर्डर पर तब दिल खुश हो जाता है। कई लोग बोलते हैं अलग अलग प्रकार की सोच है, लेकिन जो हमारा तो दिल खुश होता है ना निजी तौर पे, जब ऐसे बच्चे सक्सेस हो जाते हैं ना तब दिल खुश हो जाता है। दिल खुश होता है। अब बच्चा आपका है, नौकरी भी आपके बच्चे के लिए है, गुरु आप हो, लेकिन आपसे मतलब अगर आप 50 गुना ज्यादा खुशी होगी। 50 गुना साथ में, तभी मैं अभी कम से कम 400 किलोमीटर चल के आया। 400 किलोमीटर सिर्फ आपको मिठाई खिलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मतलब अभी वैसे इनकी फोटो मेरे पास में है, सब सिक्योर है, सारी चीजें आ जाती है, तुरंत भेज देते हैं। जाने के बाद में सबसे पहले फोटो खींचते हैं, क्योंकि इसको इसको पहनते ही ऐसे दिल खुश हो जाता है। और तेरे को कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है सर। हैं? दिल खुश है, देश की सेवा तो अच्छी है। और एक चीज और है, जैसे छुट्टी का इनको ज्यादा वो नहीं है भाई, इनको तो बस वर्दी मिल गई, इसके लिए सब कुछ जायज है, पक्की बात है। और इसीलिए भाई इसके लिए माला लेके आया हूँ। कोशिश मिली थी, मैंने वो पाया आर्मी में, इसको भेज दिया। तैयारी किया था? तैयारी खूब किया, 12 साल किया लगभग, लेकिन 3 बार टेस्ट में फेल हो गया। तो आपका सपना आपके बच्चे ने पूरा? सपना पूरा हो इनका फोन आया, फिट हो गया, दौड़ के अंदर सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, बहुत खुश हो गया। होटल पे 50 आदमी बैठ के आराम से वहाँ पे पार्टी में।
ये देखो भाई खुशी, अभी ये बता भी रहे ना तो भी मतलब मेरा ऐसे ये बाहर आने से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्या कि ये जिस जो स्थिति में ये लगा ना वैसे किसी दिन मैं भी लगा था, और मैं जब अपनी मम्मी को बताया था ना तो मतलब 5 मिनट तक वो बोल नहीं पाए, इतनी खुशी आ गई, मतलब बोल ही नहीं पाए थे 5 मिनट तक। मैं इनको तो बताता रहता हूँ, कई बार बताया इनको, मतलब 5 मिनट तक मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पाई थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको वो था कि मतलब इतना बुरा जीवन जिया है ये, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया अचानक। तो वो जब आपको भी इसने बताया होगा तो आपको भी वैसी फीलिंग हुई, वही फीलिंग हुआ था मेरे को। रात में चलने का था, रात भर नहीं तो वहाँ होटल पे लोग गाड़ी के आराम से सो गए, फिर अब रात को रुक गए सुबह। ये ले भाई, जो समाचार आना था बहुत अच्छा आ गया, ये आपके लिए है। तो भाई उस दिन के बाद अब तो वर्दी में देख के और खुश हो गए होंगे। अरे भाई दिमाग ठीक है, मतलब मैं ये बोलो जैसे आप हमारी बोलो, मैं बच्चे ही बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी जैसे मैं उससे महेंद्र से मिल गया हूँ, ऐसे बच्चे थे कि सही अकेडमी में पानी नहीं रोटी भी नहीं मिली ना कभी किसी दिन, तो इन्होंने आके नहीं बोला कि सर आज रोटी नहीं मिली, आज हमको दूध नहीं मिला, क्योंकि घर जैसा है कई बार हो सकता है दूध कम पड़ जाए, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये बच्चे ये ऑफिस में भी नहीं आया होगा एक साल में, है तो ऐसे बच्चे सक्सेस होते हैं जिनको गुरु का आदर है। और ये आपकी भी मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जीवन भर आपकी भी सेवा करेगा, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा मेरा सक्सेस होता है ना इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मेरा मेरे पास में रहा उस बच्चे का बता दूंगा इसका जीवन कैसा रहेगा, ये आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जो इंसान आप सोच लो कि नहीं हमारे पास वैसे भी आते हैं जिनको मतलब अगर थोड़ा सा पानी लेट हो जाए ना तब तक आके ऐसे फोन फोड़ने लगते, तो भाई वो तो जिंदगी भर सहयोग करेगा। मेरी स्थिति गांव में पढ़ाने की नहीं थी, फिर 2 साल इनको सोपासनी में पढ़ेगा, फिर 2 साल आपके पास भेजा पैसे कमा के घर भी चलाना और इनको भी पढ़ाना, घर भी अभी बनाया हूँ। हाँ ये भी घर बना रहे भाई, इसकी बड़ी तो फिर बाद में घर बनाएगा, अब सारा कुछ बन जाएगा, अब सारा बना देंगे। और कहने में देखो तकलीफ तो कुछ दिन उठानी पड़ती है, लेकिन माँ बाप उठानी तो पड़ेगी तकलीफ, और ये बच्चे भी वैसे समझदार, इन्होंने वो पूरा भी किया, पूरा किया सपना, पूरा किया सपना पूरा किया।